शराब की खाली बोतलें से बने चूड़ियों से खनकेगी अब बिहार की दुल्हनों की कलाइयां। बिहार सरकार की शराबबंदी योजना को सफल बनाने के लिए प्रशासनिक विभाग सक्रिय है और लगातार छापेमारी भी कर रही है। वहीं निबंधन विभाग, उत्पाद विभाग, मद्य निषेध विभाग शराब के 39 टन खाली बोतलों को इकट्ठा किया है और इन खाली शराब के बोतलों से बिहार सरकार रोजगार की योजना बनाई है। इसको लेकर राजधानी पटना से सटे सवलपुर इलाके में जीविका चूड़ी निर्माण केंद्र बनाया गया है, जहां शराब की खाली बोतलों से रंग बिरंगी चूड़ियां का निर्माण किया जा रहा है। इस केंद्र में जीविका दीदियों को फिरोजाबाद के कारीगर से प्रशिक्षण ले रही हैं। इस तहत जीविका दीदियों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना में जीविका समूह में पुरुषों को भी जोड़ा जा रहा है और उन्हें भी चूड़ी बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिलहाल जीविका समूह से बनी चूड़ियों को ग्रामीण इलाकों के बाजारों में दिया जा रहा है। आने वाले समय में नग और नकाशी वाली चूड़िया के साथ साथ शीशा का, फ्लावर पॉट और अन्य प्रकार की सजावट वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा, जिसे बड़े पैमाने पर मार्केटिंग के जरिए बाजारों में सप्लाई किया जाएगा। सरकार की इस योजना से जीविका दीदी की है संतुष्टि। निधि के साथ टीम की रिपोर्ट। यहाँ पे हम लोग आए हैं, हम लोग बहुत घर में रहते थे, बहुत मजबूर रहते थे, दो पैसा के लिए तरसते थे। यहाँ पे जीविका में जब से जुड़े, जब से हम लोग को आगे बढ़ने का मौका मिला है, यहाँ पे जीविका द्वारा चूड़ी का निर्माण किया गया है। हम लोग यहाँ पे प्रशिक्षण लिए हैं, वही 15-20 दिन से हम लोग सीख रहे। पुरपा भाई से भैया आए सिखाने के लिए, हम लोग सीखे, हम लोग को बहुत बहुत फायदा हुआ है। बाल बच्चों को आगे भी रोजी रोजगार मिले, ताकि बाल बच्चा भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि एक का कमाने से तो कुछ नहीं होगा, हम भी कमाएंगे तो कुछ हेल्प मिलेगा। इसीलिए बिहार को जो भी शराब के बोतल नष्ट है, उससे बचे हुए शराब की बोतल से यहाँ पे चूड़ी बनाया जाता है। बिहार सरकार की योजना से बहुत हम लोग संतुष्ट है। मेरा नाम गुंजा देवी है। आप बताइए, आज आप यहाँ आए हैं, क्या उद्देश्य रहा है? मैं हम समूह के दीदी हैं, सबलपुर हम लोग का समूह चलता है, जीविका समूह, उसी में के दीदी हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हम लोग को चूड़ी फैक्ट्री जब से चालू है यहाँ से, तब से हम लोग काम कर रहे हैं, समूह के दीदी हैं। यहाँ आपको प्रशिक्षण मिला है जी, रोजगार मिलेगा जी? हम फिरोजाबाद से, ये हम लोग के प्रशिक्षण मिला है, फिरोजाबाद से सर आए हुए थे, जो भी मेंबर जीविका द्वारा बुलाया गया था उनसे हम लोग सीखे हैं, 15-20 दिन से हम लोग सीख रहे हैं। और यहाँ पे चूड़ी तैयार होता है, शीशा फोड़ा जाता है, उसको फोड़ करके वहाँ पे हम लोग ले जाते हैं, उसको धुलाई करते हैं, उसके बाद से भट्टी में गलाया जाता है, और उसके बाद उसमें से बॉल निकल के आता है, यहाँ पे बेलन में बेलाता है, तब चूड़ी तैयार करते हैं। आपको लगता है कि जो है आपको रोजगार मिलेगा? जी, हम लोग को तो बहुत फायदा है, इसलिए कि हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, कोई हम लोग को जाने के लिए नहीं तैयार होता था, घर से घर का लोग सीधे कहता लोग नहीं जाना है। सरकार की योजना से आप संतुष्ट हैं? जी सरकार, हम लोग को बहुत संतुष्ट है, इसलिए कि हम लोग बाहर नहीं जाके अपने गांव में ही काम कर रहे हैं। क्या नाम है? रानी देवी।